क्या आप रशिया से एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं एंड वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। मैं प्रसून श्रीवास्तव एफिनिटी एजुकेशन कंसल्टेंट आपको इस वीडियो के थ्रू उन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करने में। ऑल्दो मैंने वो लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखी हुई है कि आपको कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो मेरे लिस्ट में है वो है SPSU सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी। एज वेल एज की मैं बताना चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटी रशिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है एंड उसके साथ साथ जैसा मैं देख पा रहा हूँ इसको अभी तक 9 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। एंड उसके साथ साथ अगर बात करूँ तो इसकी जो यूनिक बात है वो ये है कि ऑल्दो ये कुछ सब्जेक्ट्स के लिए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ लाइक मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न लैंग्वेज एंड मैनी मोर सब्जेक्ट। सो ऑल्दो अगर आप MBBS करना चाह रहे हैं यहाँ से एंड ये प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ से MBBS करना चाहिए तो एज अ कंसल्टेंट मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत ही सही डिसीजन है। एंड उसके बाद अगर मैं मूव करूँ सेकेंड यूनिवर्सिटी के लिए तो वो जो मेरी लिस्ट में वो है RSMU। ये भी अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये रशिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एंड हाई रेप्यूटेटेड कॉलेज है रशिया में तो है ही है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड अब्रॉड लेवल पे भी इसका अच्छा खासी नाम है, रेप्यूटेटेड कॉलेज है। एंड अगर सबसे बेस्ट चीज़ जो है यहाँ पे 56 डिपार्टमेंट एंड 60 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। एंड उसके बाद जो बेस्ट चीज़ है वो कि जो अब्रॉड से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उन पर लोग काफ़ी ध्यान देते हैं ऑल ओवर पढ़ाई के मामले में, रहने के मामले में, सब कुछ मामले में। तो आप अगर इसको भी चूज कर तो RSMU को तो मैं भी इसको बिल्कुल सही डिसीजन कहूँगा आपका। उसके बाद अगर मैं मूव करूँ थर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ तो वो मेरी लिस्ट में जो है वो है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है। बेसिकली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। अभी रिसेंटली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपना 210th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी जैसे मैं अपनी लिस्ट पर देख पा रहा हूँ तो ये अपने लोकल या इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लेवल भी इनके काफ़ी हाई लेवल पे हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग के मामले में ये भी काफ़ी मतलब कि इनका काफ़ी नेटवर्क काफ़ी ब्रॉड है अकेडमी एंड इंडस्ट्री में। तो एक तरीके से अगर आप इसको भी इस कॉलेज को भी चूज करते हो तो ये भी एक तरीके का बूस्ट होगा आपके लिए। एंड इसके बाद जैसा मैं देख पा रहा हूँ डे बाई डे अपने हर एक डिपार्टमेंट में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट वाइज जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ऑल ओवर 90 कंट्री से यहाँ पे 4,252 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते ही लेते हैं। तो ऑल ओवर अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने का तो मैं इसको कहीं से गलत नहीं कहूँगा। एज वेल एज कि हाँ आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप एडमिशन लो एज अ कंसल्टेंट। उसके बाद जो मेरी लिस्ट में है चौथे नंबर पे वो है BSMU यूनिवर्सिटी। बेसिकली BSMU इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन रशिया, ठीक है। रीज़न ये है कि फार्मास्यूटिकल साइंस का सेंटर ऑल ओवर इसको कहा जाता है एंड मेडिकल साइंस का भी सेंटर इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑल ओवर अगर बात करूँ स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है बिकॉज जो BSMU कॉलेज है बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं, वहाँ की पढ़ाई उनके पढ़ाई पे वहाँ के उनके रहने पे सब कुछ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो ऑल ओवर ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद अगर मैं मूव करूँ फ्रेंड्स फिफ्थ यूनिवर्सिटी की तरफ तो जो मेरी लिस्ट में है वो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बेसिकली कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट स्टीम्ड यूनिवर्सिटी इन रशिया। एंड इसके बाद जो बेस्ट पॉइंट है इसका यहाँ से कई सारे इंडियन पीपल जो है ग्रेजुएट हुए हैं जो अदर कंट्रीज में एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके बाद अगर रैंकिंग वाइज इस कॉलेज की बात करूँ तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कम्स ऑन द थर्ड प्लेस इन रशिया बेसिकली। सो ऑल ओवर अगर आप इस यूनिवर्सिटी को चूज करते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा आपका एज अ कंसल्टेंट। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा काफ़ी अच्छा डिसीजन है आपका। एंड इसमें भी जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको ऑलरेडी पता चली जाती हैं कि कैसे क्या करना है, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो काफ़ी अच्छा है। सो एट द एंड ऑल ओवर जो मेरी लिस्ट में टॉप यूनिवर्सिटीज थी वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। एंड इनमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपके पर्सनल डाउट है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, या आप कमेंट बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर मैम आपको आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करेंगे। ऑल ओवर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड मैं ये कहूँगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो। Thank you so much.